नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति प्रेम एक बार फिर सामने आया है। उन्होंने कुदरत से अपने लगाव को दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ स्पेशल दोस्ती देखने को मिल रही है। वीडियो में मोर को दाना चुंगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ये वीडियो कविता के साथ अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पीएम आवास में पीएम मोदी मोर को हाथों से दाना खिला रहे हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक दो दिनों में लो प्रेशर बन सकता है। इससे झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 और 26 अगस्त को झारखंड के कई जिलों में अच्छी बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर के कारण 25 अगस्त को दक्षिण पूर्वी व मध्य और 26 अगस्त को पूरे झारखंड में बारिश हो सकती है। मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा की तिथि सितंबर में घोषित की जाएगी। राज्य में मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा सहित सभी लंबित परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के आयोजन को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग से अनुमति मांगी थी। विभाग ने परीक्षा आयोजन के लिए गाइडलाइन तैयार की है। पहले जिस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, अब उनके लिए प्रखंड स्तर पर केंद्र बनाए जाएंगे ताकि परीक्षार्थी को आने जाने में परेशानी नहीं हो। बता दें कि संक्रमण से बचाव के मापदंडों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर परीक्षा का आयोजन होगा। झारखंड में आए 967 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो रांची से 257, पूर्वी सिंहभूम 146, गिरिडीह 83, देवघर 64, बोकारो 62, धनबाद 46, पलामू 45, पश्चिमी सिंहभूम 41, रामगढ़ 34, हजारीबाग 31, लातेहार 27, कोडरमा 19, लोहरदगा 16, गढ़वा 15, खूंटी 14, सरायकेला 10, गोड्डा 8, सिमडेगा 8, चतरा 6, दुमका 4, जामतला 3, पाकुड़ 3, गुमला से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 30,178 है, जबकि 20,136 लोग स्वस्थ हुए और 318 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 31,05,185 है, जबकि 23,36,796 लोग स्वस्थ हुए और 57,692 की मृत्यु हुई है। भारत में नए केस 61,749 मिले, जबकि 56। रविवार को 7 की मौत हुई, जो पूर्वी सिंहभूम से 5, हजारीबाग से 1, धनबाद से 1 की मौत हुई है। रविवार को 754 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस इस प्रकार हैं: पूर्वी सिंहभूम 2178, रांची 2500, धनबाद 754, पलामू 425, बोकारो 366, रामगढ़ 340, सरायकेला 333, लातेहार 289, हजारीबाग 288, पश्चिमी सिंहभूम 270, साहिबगंज 232, खूंटी 204, कोडरमा 195, गिरिडीह 195, गुमला 163, सिमडेगा 159, देवघर 155, दुमका 121, लोहरदगा 118, गढ़वा 116, पाकुड़ 102, चतरा 88, जामतला 82, गोड्डा से 58 मरीज एक्टिव हैं। 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की तैयारी में सरकार। झारखंड के शिक्षा सचिव राहुल शर्मा ने सबसे पहले 10वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोलने जाने की तैयारी की जानकारी शिक्षकों को दी है। उन्होंने शिक्षकों को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि फरवरी मार्च में मैट्रिक तथा इंटर की परीक्षा होने के कारण सबसे पहले इन्हीं कक्षाओं की परीक्षा शुरू करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि इसके लिए सोमवार से ऑनलाइन सुझाव भी अभिभावकों से मांगे गए हैं। संक्रमित अपराधी का शराब पीते फोटो वायरल, हेमंत सोरेन ने जाँच का दिया आदेश। झारखंड में हथकड़ी के साथ हॉस्पिटल में शराब के साथ मस्ती करते हथकड़ी लगे एक युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। युवक को मारपीट और रंगदारी मामले के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि रविवार को सोशल मीडिया पर जैसे ही युवक के दो फोटो वायरल हुए, मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के उपायुक्त को मामले की जाँच करने के आदेश दिए, साथ ही कहा कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। झारखंड जगुआर के जवानों ने प्लाज्मा और रक्तदान किया। डीजीपी एमबी राव के निर्देश पर झारखंड जगुआर के जवानों ने रविवार को टेंडर ग्राम स्थित मुख्यालय में रक्तदान किया। इस दौरान कोरोना से स्वस्थ होने वाले जवानों ने प्लाज्मा भी दान किया। उल्लेखनीय है कि झारखंड जगुआर राज्य के नक्सली समस्याओं से लगातार लोहा लेते हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए झारखंड जगुआर के जवानों ने कोरोना के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। किसान संघर्ष समन्वय समिति का 1 सितंबर को भूख हड़ताल।
किसान संघर्ष समन्वय समिति की बैठक रविवार को जूम ऐप पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश्वर प्रसाद मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले 1 सितंबर को किसान मांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि भूख हड़ताल के माध्यम से किसान संगठनों के लोग राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से मांग पत्र भेजेंगे, किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने, सभी 60 वर्ष के किसानों को 10,000 मासिक पेंशन देने, कोरोना काल में सभी किसानों को 10,000 प्रोत्साहन भत्ता देने, सभी लोगों को 15 किलो अनाज, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, नमक मसाला सहित आवश्यक वस्तु मुहैया कराने को लेकर, निजी अस्पताल के मनमानी वसूली को रोकने और यूरिया की कालाबाजारी को रोकने सहित अन्य मांगों के समर्थन में 1 सितंबर को किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 1 दिवसीय भूख हड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महान शिक्षाविद कलाकार पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, विश्व पटल पर आदिवासी संस्कृति, गौरव और दर्शन को पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने मुखर किया था। पलामू में मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की हुई समीक्षा। उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंडों में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्य, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे शौचालय के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत मानव दिवस बढ़ाने के लिए TCB तथा FB को लेने पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 5 योजनाओं को क्रियान्वित रखने का निर्देश दिया ताकि प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा सके। संगीत शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मरांडी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि 10-15 वर्षों से नियुक्त संगीत शिक्षकों को हटाने की प्रतिक्रिया पर अविलंब रोक लगाई जाए। साथ ही प्रयाग संगीत समिति, इलाहाबाद एवं प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ द्वारा प्रदत्त डिग्री की मान्यता को बरकरार रखने संबंधी आदेश दिया जाए। देवघर में ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन। रोटरी क्लब ऑफ देवघर के द्वारा कोरोना महामारी के इस समय में रोगियों को ऑक्सीजन गैस की किल्लत के मद्देनजर एक ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत स्थानीय कास्टर टाउन बजला चौक के पास शुरू किया गया। ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन देवघर SDPO विकास चंद्र श्रीवास्तव एवं सिविल सर्जन विजय कुमार के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया। झारखंड में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए बनी जाँच टीम। झारखंड में यूरिया खाद की कालाबाजारी की खबर के बीच राजधानी रांची में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पहल शुरू कर दी गई है। बता दें कि रांची सदर के SDO लोकेश मिश्रा की अगुवाई में एक जांच दल का गठन किया गया जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। रविवार को श्री मिश्रा के नेतृत्व में कई दुकानों में जाँच की गई। वेंडर मार्केट दुकान खोलने की मांग। 4 माह से बंद वेंडर मार्केट खोले जाने की मांग को लेकर वेंडर मार्केट के दुकानदार सोमवार को अपनी दुकान के सामने थाली कटोरा लेकर बैठेंगे। इसके बाद भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिली तो वह अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। वेंडर मार्केट के दुकानदारों ने रविवार को बैठकर यह निर्णय लिया है। दुकानदारों का कहना है कि 4 माह से दुकानें बंद है, दुकानों के सामान भी खराब हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वास्थ्य स्थिर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वास्थ्य स्थिर है, लेकिन डॉक्टर ने रविवार को उन्हें आराम करने की सलाह दी है। साथ ही ज़्यादा देर बात करने या फोन पर बात करने से मना किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उनका हर्निया का भी ऑपरेशन हुआ था और इसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्हें बुखार और खांसी है, इसलिए चिकित्सकों ने फोन या ज़्यादा बातचीत नहीं करने और आराम करने की सलाह दी है ताकि तुरंत रिकवरी हो सके। साहिबगंज में पान की खेती कराने की तैयारी। झारखंड के पान अब दूसरे राज्यों की भी पहचान बनेंगी। सूबे के साहिबगंज जिले में पान पत्ते की खेती को बड़े स्तर से कराने की तैयारी चल रही है। सरकार यहां के किसानों को पान की खेती में आत्मनिर्भर बनाना चाह रही है। गंगा नदी के पास स्थित दरिया क्षेत्र में पान पत्तों की खेती को बढ़ावा देना है। छात्रों के लिए हर सप्ताह बनेगा सिलेबस।
झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए हर सप्ताह सिलेबस जारी किया जाएगा। हर सप्ताह बच्चों को क्या पढ़ाना है इसका कैलेंडर जारी होगा। सप्ताह में 5 दिनों तक बच्चों को उसी आधार पर कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे और 6ठे दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट भी होगा। स्कूली शिक्षा एवं सक्षमता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। जल्द ही संशोधित एकेडमिक कैलेंडर और संशोधित सिलेबस जारी किया जाएगा। बता दें कि सितंबर में भी स्कूल के सभी क्लास शुरू हो सकने की संभावना कम नज़र आ रही है।